मैं प्रिया आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को चेन्नई में थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही यहाँ की बिजली गुल हो गई, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और एयरपोर्ट के आसपास अंधेरा छा गया। इस पर भाजपा ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जवाब में डीएमके नेता टीकेएस एल्गोवन ने भाजपा पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। एल्गोवन ने कहा, राज्य में गर्मी की वजह से एक महीने में बिजली की खपत में इजाफा हुआ है, कभी कभी बिजली चली जाती है, ये जानबूझकर नहीं किया जाता है। एल्गोवन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब जम्मू कश्मीर गया था तब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा चाहे तो इसकी भी सीबीआई जांच करवा ले। भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सोर्सेज के मुताबिक 230 केवी की हाई टेंशन सप्लाई लाइन ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसी के चलते बिजली गुल हुई। बिजली सिर्फ एयरपोर्ट एरिया में गुल नहीं हुई थी बल्कि पोरूर, सेंट थॉमस माउंट, पुन्नामल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी गई थी। शनिवार रात 9:30 बजे से 10:15 बजे तक बिजली गुल रही। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विकल्पों का इस्तेमाल करके इन इलाकों में बिजली रिस्टोर की गई। पावर लाइन की मरम्मत का काम अब भी जारी है। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए 30 मई से 30 जून तक देश भर में जनसभाएं की जाएगी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेल्लोर जिले के पलिकोंडा के पास कंदनेरी में आज 11 जून को दोपहर 3 बजे जनसभा में हिस्सा लेंगे। इस जनसभा में हिस्सा लेने वे कल रात चेन्नई पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।